हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आज का प्लान ये है कि घर में मेरे आटा ख़त्म हो रखा था दोस्तों, तो पापा ने बोला कि घर से गेहूँ है रखे हुए, तो गांव चला जा और वहाँ से गेहूँ लिया और यहाँ पे मतलब चक्की पे पिसवा ली। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। और दोस्तों, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी होम टूर के ऊपर, जो कि गांव में है मेरा घर। तो अगर जिसने भी वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वो जाके वीडियो देखें दोस्तों। और मैं चलता हूँ फिर। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं पहुंच चुका हूं नवाबगंज और मैंने टेम्पो चेंज कर लिया है। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने माइक इसलिए यूज करा है क्योंकि यहां पे बहुत सारा नॉइज़ हो रहा था, बहुत सारा क्राउड भी है यहां पे। और दोस्तों, मैं जा रहा हूं दोबारा गाँव, तो मैं मिलता हूँ गाँव में। आई होपफुली कि आप वीडियो का एंजॉय करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ नवाबगंज का जो मेन मार्केट है, मतलब पीलीभीत रोड। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है मेन मार्केट, मतलब मेन मार्केट नहीं बोल सकते हैं, ये पीलीभीत वाला रोड है। ये है, देख लीजिए दोस्तों। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेथी चौपले। मेथी चौपले मतलब मेथी चौपले मेरे यहां से मेरा घर रह जाता है 5 या 6 किलोमीटर मेथी चौपले से। और ये पीछे देखिए टेम्पो खड़ा है, इसमें बैठूंगा मैं और ये पहुंचाएगा नकटी। नकटी से रह जाता है मेरा गांव 1 किलोमीटर दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों फिर गाँव में। दोस्तों, मैं दिखा दूँ मेथी चौराया, टेम्पो तो आपने देख ही लिया होगा, मैं दिखा दूँ। तो
अब मैं जा रहा हूँ गांव पैदल, और गांव तक तो जाती नहीं है सवारी, तो मैं पैदल ही निकल जा रहा हूँ। ज़्यादा दूर भी नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास ही है दोस्तों। और मैं दिखा दूँ जहाँ पे ईंटें बनती हैं ना दोस्तों, जिससे मकान वगैरह बनते हैं, वो मेरे गांव के पास में भट्टा है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ना, कि मैं जब भी गांव आता हूँ ना, तो भाई साहब पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। और वो क्यों आने लगती हैं, ऐसा होता है ना, जो बंदा जहाँ मतलब पैदा होता है ना, तो वो हमेशा अपनी गांव में पैदा हुआ तो गांव को ज़्यादा प्यार करता है, शहर में पैदा हुआ तो शहर को ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मेरे को गाँव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं जा रहा हूँ पैदल, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमने गेहूँ निकाल लिए हैं, ये इसमें गेहूँ स्टोर करके रखते हैं। और ये देखिए भाई कट्टा बांध रहा है। अब थोड़ा मैं घूम उम लूँ, मतलब मैं लूँ लूँ लोगों से, इसके बाद मैं निकलता हूँ मैं बरेली दोबारा। और जिसने ये सब ये स्टोरेज नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन में जाके वो वाली वीडियो भी देख ले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर। तो अब मैं जा रहा हूँ लाइसेंस के लिए, अभी पोस्टमैन का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने बोला चुलड़िया आके ले लो, मैं आपके गांव में आऊँगा नहीं क्योंकि सिंगल पोस्ट है। अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ चुलड़िया, चुलड़िया से अपना पोस्ट मतलब जो भी मेरा पार्सल आया हुआ है, पार्सल मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ही है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेके घर आऊँगा, घर से निकल जाऊँगा दोस्तों। चुलड़िया पहुंच चुका हूं, अभी जो पोस्टमैन अंकल हैं उन्होंने बोला था कि यार मैं तुम्हारा वेट कर करके घर पहुंच चुका हूं। तो मैंने अभी दोबारा कॉल की, उन्होंने बोला कि चलो मैं आ रहा हूं, आप वेट करो। तो दोस्तों अभी मिलवाता हूं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पोस्टमैन अंकल आ चुके हैं अभी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अब मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूँ और फिर निकलता हूँ दोस्तों। तो मैं दिखाता हूँ अपने पोस्टमैन अंकल, ये पापा वाली है, राम साहब। हाँ, ये पापा की वो है, बॉन्ड है। और विक्रम नाम से भी है। फाइनली मेरा जो DL है वो मिल चुका है, ये देखिए। और जो पापा का बॉन्ड था वो भी मैंने ले लिया, अंकल ने सिग्नेचर कराए थे, अब वो चले गए, अब मैं निकलता हूँ घर। दोस्तों ये देखिए मैं पैदल जा रहा हूँ घर वापस, मतलब गेहूँ निकाल के रखे थे मैंने जो स्टोरेज बॉक्स होता उससे, और घर जाके मैं गेहूँ उठाऊँगा मतलब, और निकल जाऊँगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब वो इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए या टिप से समझ लीजिए दोस्तों, जो मैंने DL अप्लाई करा था ना,
तो वो अप्लाई मैंने करा था जून में करा था, तो मेरे को लर्निंग की डेट मिली थी 14 अगस्त को मिली थी। तो मैं गया था लर्निंग में, बोला गया था मेरे को कि आप अगर टेस्ट पास करते हो तो आपका जो जो ब्रोकर होता है वो पैसे 1000 उसका चार्ज होता है ब्रोकर का, लर्निंग जो टेस्ट होता है वो पास कराने का। तो वो जो है मैंने पास कर दिया था लर्निंग वाला, तो मेरा 350 फॉर्म का गया था, और उसने मतलब जो फॉर्म उसने अप्लाई करा था 50 रुपये उसने लिए थे, तो 400 मेरा वो था दोस्तों। और इसके बाद में लर्निंग के बाद मेरा लर्निंग मेरा था 6 महीने के लिए वैलिड दोस्तों। और जो है मेरा फिर इसके बाद में मेरे को डेट मिली परमानेंट की। परमानेंट में दोस्तों मेरे को कार चलाना आती नहीं थी, तो फिर मेरे को मजबूरन ब्रोकर करना पड़ा दोस्तों। तो उसको उसका चार्ज था 1000, उसका भी चार्ज वही था 1000। तो कुल मिला के दोस्तों और 1000 उसका जो परमानेंट की फ़ीस होती है उसको देने पड़े, तो 1000, 2000 और दोस्तों 400, वो मेरा मतलब 2400 का खर्चा आ गया लाइसेंस बनवाने में। तो और फिर दोस्तों और इसके बाद में फिर मतलब मैंने टेस्ट भी पास, मतलब जो फाइन परमानेंट होता है दोस्तों परमानेंट का मैंने टेस्ट पास नहीं कर मिला था, क्योंकि उसमें बता रहे थे कि कार चलवाते हैं, पर उस समय मेरे को कार नहीं चलाना आती थी। बट हाँ मेरे को जब परमानेंट का मेरा अप्लाई हो भी गया था, मैसेज भी आ गया था उसी दिन कि मेरा परमानेंट जो है 15 दिन में बाई स्पीड पोस्ट घर पहुँचा दिया जाएगा। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कार तो भाई आनी चाहिए चलानी, तो दोस्तों फिर मैंने इसके बाद में कार सीखी। और जिनको नहीं पता है कि मैंने कार सीख ली है, वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देख लें। फाइनली कार सीख ली, और दोस्तों और आज जाके मेरा लाइसेंस मेरे को प्राप्त हो गया। मैं बहुत मतलब इतना मैंने इंतज़ार करा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को दो बार तो मेरे को मतलब जो RTO वाले होते हैं उन लोगों ने भी पकड़ लिया। डिजी लॉकर में मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो मैंने डिजी लॉकर से उन लोगों को अपना लाइसेंस दिखा दिया था, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने बोला था कि ऐसे नहीं काम चलेगा, आप जो कार्ड होता है PVC कार्ड जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वो आप लेके चलिए, तो वो मुझे छोड़ देते थे। तो दोस्तों मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि जो मतलब मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 18 प्लस हो गए हैं वो अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं, और लाइसेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को अब एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टोरेज फ़ोन का स्टोरेज फुल होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों ये सामने ये है हमारे गांव में मंदिर, श्री राम जानकी धाम, जय श्री राम। ये पहला मंदिर है हमारे गांव में जो बना हुआ है।